एसपी का बयान, मीडिया में बयान, एसपी ने प्रेस बोला होगा कि कौन सी धारा जी, हम बता रहे हैं, चेक कर लो, देखो बयान में देखो मैडम, है कि 332-353 के चांस है, हम लोगों का बताया 18 से अभी तक नहीं दिया गया, जो नए नए मतलब पे काम करवाते कोई पुट्टा नहीं किया, तो कोरोना में भी तो आपने बहुत भूमिका निभाई, तब हम लोग वहाँ पे घर घर जा करके दवाइयाँ वितरित कर रहे हैं, घर घर से उनका रिपोर्ट दे रहे हैं, और हम लोगों को मिल जा रहा है, मार मिल रही पुलिस वालों के द्वारा, रंजीत कौर आपको कह रहे हैं आपकी मांगे पूर्ण करा दी गई, नहीं कौन सी मांगे की बात, सर वही बात बताया जो आपको बता रहे हैं, पर मुझे थोड़ा इसका वॉल्यूम लो है, मैं सुनना कान पे लगा के सुनना जरा धारो कुछ नहीं, उस पर लिखा है धारा कुछ, उस पर कह रहा है धारा कुछ, इतना मारा, इतना तो कोई जानवरों के साथ भी बदसलूकी नहीं कर, वो भी महिला पुरुष दोनों ने, नीरज एसआई ने भी मेरा हाथ मरोड़ा, फोन छीना और उसके बाद में बाल लोचे ये कहा गया कि पुलिस दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी, नहीं नहीं हुई ना, 4 बजे उल्टा इनपे कर दिया, उसके बाद रात को ही तो कहा कि हम लोग लेते डर था, हम लोग खुद रात में ही हम लोग को मैडम इसने धाराएं नहीं बताया, रात में ही हम लोग को भी अरेस्ट ना कर लिया, तो हम लोग रात को ही लेके आ गए, सुबह क्या आने देते नहीं आने देते, मतलब कायदे में तो उन्होंने वादा किया था, उस हिसाब से इंस्पेक्टर ने वादा किया था, उस हिसाब से उस महिला एसआई पर जिसने मारा इनको उस पर कार्रवाई हुई, अगले दिन एसपी ने मिलने का समय ही नहीं दिया, 4 बजे ये बाहर वीडियो आया, तो कभी कोई ऐसे अधिवक्ता है आपके यहाँ संदीप, यहाँ पे कोई अधिवक्ता है जिनसे हम बात करा सकते हैं, जो इनकी जो लीगल स्टेटस है वो बता सकते हैं और फिर FIR दर्ज कराने के लिए, आप सभी शाहजहांपुर के हैं या हमारी पार्टी भी कर सकती है उनके लिए, लीगल सेल के वो चेयरमैन नितिन मिश्रा जी हैं, मगर और भी लोग यहाँ प्रैक्टिस करने वाले हैं बार में, हाँ तो चेक करना चाहिए कि किसी एक जने पे ना आए वो बात।